मॉडर्न वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर हिस्ट्री के अंदर इट इज अ हिस्टोरिकल फीट ऑफ ब्रेवरी बाई इटसेल्फ. 121 सोल्जर्स इंक्लूडिंग देयर सीओ कंपनी कमांडर दैट इज मेजर शैतान सिंह जी, परमवीर चक्र होल्डर, इन्होंने 1320 चीनियों को मारा. समझने की बात यह है कि उनके पास साधन क्या था, उनके पास हथियार क्या था, उनके पास शरीर के ऊपर प्रोटेक्टिव गियर क्या था. उनके पास सूती पतलून थी, सूती कमीज था, एक जर्सी थी, और हाथ में किसी के मोजे थे, किसी के मोजे नहीं थे. 30 वॉज एन एवरेज जो हथियार था वो 303 था. लिमिटेड कार्ट्रिजेस थे, लिमिटेड ग्रेनेड्स थे, एक दो मोटर्स थे, मशीन गन थी. इंस्ट्रक्शन मिल गए थे कि आप पोस्ट छोड़ के पीछे हो जाइए, बट मेजर शैतान सिंह जी सेट कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा. परंतु उन्होंने अपनी टुकड़ी से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं. 125 अहीर यादव वीरों ने कहा कि नहीं सर, हम यहीं रहेंगे आपके साथ में. सॉरी, मैंने पता है, बहुत ही इमोशनल है. ये सब मर्द थे, ये मर्द. दे फॉट विद द लास्ट मैन विद द लास्ट बुलेट, और बाद में बेनेट से लड़े. और बेनेट की कंडीशन ये थी कि चाइनीज के पास तीन तीन लेयर की जैकेट्स थी, बेनेट ही अंदर नहीं घुसता था. अब ऐसे शहीदों को हम याद नहीं करते हैं, इस राष्ट्र का दुर्भाग्य. उन सपूतों ने इस राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया और उसको ये राष्ट्र याद नहीं करता. इंग्लैंड सब जगह अपना वर्चस्व इसलिए फैला चुका था क्योंकि विक्टोरिया क्रॉस, आज का तो मुझे मालूम नहीं, पर बहुत समय पहले जब विक्टोरिया क्रॉस होल्डर सड़क के ऊपर से निकलता था तो पूरी सड़क थम जाती थी. ये फैक्ट है, पूरी सड़क थम जाती थी. विक्टोरिया क्रॉस हैड द फर्स्ट राइट टू मूव, इवन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वुड वेट. तो जो राष्ट्र वीरता को समझेगा वो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, जो राष्ट्र वीरता को नहीं समझेगा, जो समाज वीरता को नहीं समझेगा, आज हमारी पीछे वाली पीढ़ी, पीछे वाले बच्चे को, उनको कुछ मालूम ही नहीं है. तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप